अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे PSY 408 के लेसन नंबर 40 को, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ साइकोलॉजी। न्यूट्रिशन कहते हैं कि अपनी बका के लिए खुराक का इस्तेमाल, द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म टेक फूड टू लिव इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। कंपोनेंट्स ऑफ फूड देखते हैं न्यूट्रिशन के अंदर, क्योंकि फूड शामिल होती है तो फूड के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहली जो चीज़ है वो है इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर सिंपल और कम्प्लेक्स शुगर शामिल होती हैं। सिंपल शुगर के अंदर ग्लूकोज है और कम्प्लेक्स शुगर के अंदर जो है सुक्रोज है, और इसके अलावा लैक्टोज जो मिल्क में पाई जाती है, और स्टार्च जो है बहुत से प्लांट्स में पाई जाती है, वो कम्प्लेक्स शुगर में आती हैं। लिपिड्स की बात कर रहा है कि लिपिड्स या फिर फैट्स, ये भी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जिस्म के लिए। लिपिड्स जो होते हैं ये सैचुरेटेड भी होते हैं, और पॉली अनसैचुरेटेड लिपिड्स भी होते हैं या फैट्स, और एज वेल एज कोलेस्ट्रॉल। न्यूट्रिशन रिकमेंडेड दैट डाइट कंटेन नॉट मोर देन 30% ऑफ कैलोरीज और लेस देन 10% फ्रॉम द फैट। 30% से ज़्यादा और 10% से कम जो है वो न्यूट्रिशन के अंदर कैलोरीज नहीं होनी चाहिए, मतलब ये लिमिट बताई गई है इन्होंने डाइट की। टाइप्स ऑफ फैट्स, फैटी एसिड्स आर द बेसिक केमिकल यूनिट्स इन फैट्स, और इनकी टाइप्स के अंदर पहली है सैचुरेटेड फैट है, इट इज़ यूज बाय लिवर टू मैन्युफैक्चर कोलेस्ट्रॉल। उसके अलावा इसके एग्जांपल्स में कह रहा है कि मीट बटर हो गया, उसके अलावा कोकाओ बटर हो गया, कोकोनट एंड पाम ऑयल्स। पॉलीअनसैचुरेटेड के अंदर कह रहा है कि डू नॉट अपीयर टू रेज ब्लड कोलेस्ट्रॉल, इनका इसका ब्लड कोलेस्ट्रॉल पर कोई असर नहीं होता। सॉफ्ट फ्लावर हो गया, सनफ्लावर हो गया, कॉर्न, वेजिटेबल ऑयल्स, मार्जरीन और सोयाबीन, ये इसमें शामिल हैं। मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स कह रहा है कि इसका ब्लड वेसल्स पर कोई असर नहीं होता, इसके अंदर ऑलिव ऑयल और कनोला ऑयल शामिल हैं। ट्रांस फैट्स, हाइड्रोजनीशन के ज़रिए ये फैट्स तैयार किए जाते हैं, जो ये हाइड्रोजनीशन एक केमिकल अमल है जो कि लिक्विड अनसैचुरेटेड फैट्स को ज़्यादा सॉलिड फैट में कन्वर्ट करता है, और ये जो हैं ये फैट जो हैं हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं। इनके अंदर स्टिक मार्जरीन हो गई, फैट्स हो गए जो कि कमर्शली तैयार किए जाते हैं, केक्स, कुकीज़ और स्नैक्स फूड, ये सारे इसके अंदर ये पाई जाती है। प्रोटीन कह रहे हैं कि इज़ द मेनली इम्पॉर्टेंट मेनली इन बॉडीज सिंथेसिस ऑफ न्यू मटेरियल्स, सेल मटेरियल्स। ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं जिसको अमाइनो एसिड्स का नाम दिया जाता है। विटामिंस कह रहा है कि ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं जो कि मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं और बॉडी के फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, हार्मोन्स बनाते हैं, और वेस्ट प्रोडक्ट्स और टॉक्सिन्स को ये ब्रेक डाउन करते हैं। विटामिन जो हैं फैट सोलबल होते हैं और फैट वाटर सोलबल होते हैं। फैट सोलबल में ए, डी, ई और के हैं, और वाटर सोलबल में विटामिन बी और सी है। मिनरल्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, पोटाशियम हो गया, सोडियम, आयरन, आयोडीन और जिंक, जो कि बॉडी के डेवलपमेंट के लिए और फंक्शनिंग के लिए बहुत अहम है। मसलन कैल्शियम और फास्फोरस जो है वो बोन्स के लिए और टीथ के लिए इम्पॉर्टेंट है। पोटाशियम और सोडियम जो है वो नर्व ट्रांसमिशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, और आयरन जो है वो ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन इन ब्लड, इस चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन के लिए खून के अंदर। फूड के अंदर फाइबर्स भी होते हैं कह रहा है कि, जो कि न्यूट्रिएंट्स का हिस्सा कंसिडर नहीं किए जाते क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म में शामिल नहीं होते, लेकिन बट इज स्टिल नीडिड इन प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। फैक्ट्स अबाउट फाइबर्स,
फाइबर्स कह रहे हैं इन डाइजेस्टिबल होते हैं, इनको फूड का वो हिस्सा होते हैं जो हज़म नहीं होता। दो टाइप्स हैं फाइबर की, सोलबल फाइबर और इनसोलबल। फाइबर जो कि फूड्स के अंदर होते हैं, जिस तरह ओट ब्रैन के अंदर और ड्राइड बीन्स के अंदर जो होते हैं फ्रूट, वो होते हैं सोलबल। ओट ब्रैन कहते हैं आउटर पार्ट ऑफ द ओट, जो का जो अपर पार्ट होता है ना, सॉरी आउटर पार्ट होता है छिलका उसका, उससे ये फूड बनता है। उसके अलावा इनसोलबल फाइबर जो हैं, जिस तरह गंदुम ब्रैन हो गया, इसके अंदर जो हैं ये फाइबर जो हैं इनसोलबल हैं। आगे ये एक यहाँ पे चार्ट बनाया गया है, जिससे फिगर, इस फिगर को कहते हैं फूड गाइड पायरामिड। इसके अंदर बताया गया कि किस तरह हमने डाइट करनी है, किस डाइट की मकदार कितनी होनी चाहिए और किस डाइट की मकदार कितनी होनी चाहिए। सबसे कम यहाँ पे ऑयली चीज़ें जो बताई गई हैं, उनकी मकदार जो है आमतौर पर सबसे कम इस्तेमाल की जाती है। सारा यहाँ पर इसी को इन्होंने बयान किया है, इस डिटेल के साथ इस पायरामिड को बयान किया है। हम यहाँ से देखेंगे माल न्यूट्रिशन से। अ सीरियस कंडीशन इन विच योर डाइट डजेंट कंटेन राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स या लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड माल न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। इन मैनी नेशंस ऑफ द वर्ल्ड नॉट माल न्यूट्रिशंस बट द डाइटरी एक्सेस आर द मेन न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम, स्पेशली इन डिवेल्पिंग। यानी कि इसके अंदर कह रहा है कि सिर्फ एक तो खुराक की कमी तो होती है, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्री उनमें खुराक की ज़्यादती जो है, लोग ज़्यादा खाना खाते हैं, ये प्रॉब्लम का कॉज बन रहा है, हो रहा है। डाइट एंड एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस कह रहा है कि वो उमल जिसमें फैट और कोलेस्ट्रॉल हमारी आर्टरीज़ के अंदर और बाहर की तरफ जमा हो जाते हैं और एक तय बन जाती है, जिसको प्लेक कहते हैं। कह रहे कि तीन तरह की लिपोप्रोटीन्स हैं, होती हैं। एक तो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होती है, और जो वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, ये प्लेक आर रिलेटेड टू इंक्रीज प्लेक डिपॉजिट्स। ये प्लेक के जो डिपॉजिट हैं, जो प्लेक जमी होती है, उसको इंक्रीज करती हैं। लेकिन जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, ये जो है जो प्लेक होती जमी हुई, उसको ये डिक्रीज करती है। जिस कोलेस्ट्रॉल में एलडीएल और VLDL जो होता है, इसको बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। यानी कि जिसके अंदर लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है, इसको हम क्या कहते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल। और जिस कोलेस्ट्रॉल में कह रहे हैं कि HDL होती है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। ये कुछ पॉइंट्स हैं एमसीक्यूज के हवाले से, वो इंपॉर्टेंट हैं, वीडियो पॉज करके आप लोग पढ़ सकते हैं। डाइट एंड हाइपरटेंशन। डाइट में इस्तेमाल होने वाले नमक जो है, सोडियम क्लोराइड में मौजूद सोडियम जो है, वो ब्लड प्रेशर को इफेक्ट करता है। ज़्यादा मिकदार में नमक खाने से ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। एक्सपर्ट के मुताबिक जो है, एक दिन में 2300 मिलीग्राम यानी कि 1 टीस्पून के बराबर हमें नमक खाना चाहिए, हमें इससे ज़्यादा नमक नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा कैफ़ीन भी एक सब्सटेंस है, कह रहा है कि जो कि ब्लड प्रेशर को इफ़ेक्ट करता है। लोग ड्रिंकिंग में, कॉफ़ी में, स्ट्रॉन्ग टी में और कोला बेवरेजेस में कैफ़ीन का इस्तेमाल करते हैं। कैफ़ीन जो है रिएक्टिविटी ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेस जो इंक्रीज़ कर देती है, ब्लड प्रेशर को भी टेम्परेरीली ये इंक्रीज़ करती है। डाइट एंड कैंसर। डाइट जो है हमारी, वो कैंसर के साथ भी रिलेट करती है। हम सैचुरेटेड फैट, लो इन फाइबर जो है वो खाएंगे, तो ये चीज़ जो है कैंसर का बाइस बनेगी। ये कैंसर जो है पार्टिकुलरली होता है कॉलन का और प्रोस्टेट ग्लैंड्स का कैंसर होता है, जो कि हाई फैट डाइट की वजह से होता है। इसका ताल्लुक ब्रेस्ट कैंसर के साथ भी है, कह रहे हैं। और इसके अलावा कह रहा है कि जो फूड गाइड पायरामिड है, जो ऊपर मैंने आपको डायग्राम दिखाई थी, इसके मुताबिक अगर फॉलो करेंगे हम, फैटी एसिड्स को उस मिकदार में हम खाएंगे, उसके बाद वेजिटेबल्स और हाई फाइबर
जो खुराक है उसका इस्तेमाल करेंगे तो कैंसर के रिस्क से बचा जा सकता है, इसके रिस्क को कम किया जा सकता है। व्यूर यह था हमारा PS5408 का लेसन 40। आई होप आई मेड इट क्लियर। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।